हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फोर्थ क्लास की कंप्यूटर की बुक का चैप्टर नंबर 1, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 1, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। दिस चैप्टर कवर कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, व्हाट मेक्स ए कंप्यूटर पावरफुल, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। इस चैप्टर के अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ओके, हम इन्हें डिस्क्राइब से पढ़ते हैं। हाई जेसिका, डू यू नो कंप्यूटर हैज मैनी यूनिक फीचर्स? यस जॉन, दिस कंप्यूटर हैज मैनी यूनिक फीचर्स, दिस मेक इट ए ट्रूली पावरफुल मशीन। कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, कंप्यूटर अलग अलग तरह के काम कर सकता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मशीन मेक अवर वर्क इजियर एंड फास्टर। डिफरेंट मशीन डू वेरियस टाइप ऑफ वर्क, ए वॉशिंग मशीन वॉश क्लॉथ, म्यूजिक सिस्टम प्ले म्यूजिक, कैन एयर कंडीशनर कूल ए रूम एंड सो ऑन। मोस्ट मशीन कैन ओनली डू वन टाइप ऑफ वर्क, फॉर एग्जाम्पल ए म्यूजिक सिस्टम कैन प्ले म्यूजिक ओनली, इट कैन नॉट वॉश क्लॉथ। एन एयर कंडीशनर कूल ए रूम ओनली, इट कैन नॉट वॉश क्लॉथ। इट ए कंप्यूटर हाउ एवर कैन डू नंबर ऑफ थिंग, इट कैन टू डू द फॉलोइंग थिंग्स: स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग, ड्राइंग कलर, क्रिएटिंग डिजाइन, प्लेइंग म्यूजिक, हेल्पिंग अस टू वॉच द मूवी एंड कार्टून्स। कंप्यूटर अलग अलग तरीके काम कर सकता है। कंप्यूटर एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, जैसे कि वॉशिंग मशीन एक तरह की मशीन होती है जो कपड़े धो सकती है, लेकिन इसी तरह से एयर कंडीशनर जो होता है वो केवल रूम को ठंडा कर सकता है, कपड़े नहीं धो सकता। म्यूजिक सिस्टम जो है वो केवल म्यूजिक बजा सकता है, वह कपड़े नहीं धो सकता। हर तरह की अलग मशीन का अपना अलग अलग काम होता है, लेकिन कंप्यूटर कई तरह के काम करता है, जैसे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सोल्व करता है, टाइपिंग भी करता है, प्रिंटिंग भी करता है। हम इसमें ड्राइंग कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं, म्यूजिक चला सकते हैं और मूवी देख सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं, एटीएम से मनी निकाल सकते हैं, बहुत सारे काम हम कंप्यूटर में करते हैं। ईमेल भेज सकते हैं, एनिमेशन इफेक्ट डाल सकते हैं, रिकॉर्ड एंड बुक है, बुक का रिकॉर्ड्स इन लाइब्रेरी में रख सकते हैं, ट्रेन टिकट करवा सकते हैं, एयर टिकट करवा सकते हैं, मूवी टिकट करवा सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस मोस्ट ऑफिस स्कूल कॉलेज एंड शॉप हैज कंप्यूटर इन देयर वर्क नाउअडेज। सभी स्कूल कॉलेज और ऑफिसों में आजकल कंप्यूटर से ही काम किया जाता है। स्टोर इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखता है, डिफिकल्ट कैलकुलेशन सॉल्व करता है, क्रिएट डॉक्यूमेंट एंड प्रेजेंटेशन को बनाने में हमारी मदद करता है, कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे से बात करने में भी कंप्यूटर हमारी मदद करता है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। यू डू नॉट हैव टू गिव इंस्ट्रक्शन टू मशीन दैट हैज़ ओनली वन फंक्शन टू डू। फॉर एग्जाम्पल, वेन यू पुट अ बॉटल ऑफ अ टमेटो केचअप इन द रेफ्रिजरेटर, यू डू नॉट नीड टू टेल द रेफ्रिजरेटर वॉट टू डू। इफ द रेफ्रिजरेटर इज ऑन, इट विल स्टार्ट टू कूलिंग एंड टमेटो केचअप ऑटोमेटिकली। अ कंप्यूटर एंड अदर हैंड कैन डू मैनी थिंग्स, सो यू नीड टू टेल द कंप्यूटर वॉट यू वॉन्ट इट टू डू। दो आप जानते हैं कि हर मशीन को आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, अगर आपने टमेटो केचअप की एक बोतल रखी है तो वो टमेटो केचअप की एक बोतल रखी है तो वो टमेटो केचअप की बोतल अंदर रखते ही के साथ ऑटोमेटिक से वह ठंडी होना स्टार्ट हो जाती है। हमें फ्रिज को ये कहना नहीं पड़ता है कि इसे ठंडी करो, हमें फ्रिज को ये नहीं कहना पड़ता है कि आप इस बोतल को ठंडी करो। ओके, ए कंप्यूटर वर्क्स इन देयर थ्री सिंपल स्टेप, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन विच वी एंटर दो द कीबोर्ड इन टू ए कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। ठीक है, वी कैन एंटर वर्ड्स, नंबर, पिक्चर, इनपुट, दिस इज कॉल्ड डेटा। हम कंप्यूटर बहुत ही सिंपल स्टेप से कंप्यूट कर, हम इसके अंदर डेटा इनपुट कर सकते हैं, नंबर, पिक्चर, वर्ड्स, कुछ भी हम इनपुट कर सकते हैं, इसके अंदर डाल सकते हैं। द कंप्यूटर वर्क्स ऑन द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू प्रोड्यूस द रिजल्ट, द स्टेप फॉर प्रोसेसिंग। और इसी इनपुट से जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा, कंप्यूटर डिस्प्ले द रिजल्ट एंड स्टोर द लेटर यूज, इट इज कॉल्ड द आउटपुट। और इससे जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। ओके, लुक एट द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर एंड लर्न वॉट रोल इच वन ऑफ दे प्ले इन द IPO, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट साइकिल। ये इसके पार्ट्स बताए गए कंप्यूटर के, ये CPU होता है, ये माउस होता है, ये कीबोर्ड होता है और ये मॉनिटर होता है। दिस कीबोर्ड एंड माउस हेल्प अस टू एंटर इनपुट द कंप्यूटर, दिस पार्ट्स आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड और माउस जो होते हैं वे कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस कहलवाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा हम डेटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर के।
द सीपीयू प्रोसेस द टू इनपुट द प्रोड्यूस आउटपुट, सीपीयू के द्वारा हमें आउटपुट प्राप्त होता है। द सीपीयू इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस, यह सीपीयू है उसे हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। इट इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर टू कंट्रोल द ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, इससे हम कंप्यूटर के ऑल पार्ट्स को कंट्रोल में रख सकते हैं। द मॉनिटर डिस्प्ले द रिजल्ट विल प्रिंट रिजल्ट शीट ऑफ पेपर, दिस पेपर आर आउटपुट डिवाइस, दिस इन्फॉर्मेशन वी सी ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, जो इन्फॉर्मेशन हमें मॉनिटर के ऊपर दिखाई देती है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। एंड प्रिंटेड कॉपी ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रिंटर इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी, और जो प्रिंटर के द्वारा हमें जो कॉपी बाहर में प्राप्त होती है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। A computer can store a hug amount of information inside it. It is a storage device called the hard disk. It is inside the CPU. Okay? What make a computer powerful? Computer को powerful कैसे बनाते हैं? The computer has many unique characteristics that make it truly powerful machine. Let's learn about some these the characteristics. Speed. It can carry out large difficulty task very high speed and can do billion of jobs per second. Accuracy. Computer doesn't make mistake. If you give the correct input, you will get the correct output. Computer make an error only when you give an incorrect input. The computer does not get tired no matter how many times you give difficulty task, it will give the right output every time. Computer जो होता है वह कोई mistake नहीं करता, हमें correct input करने पर वह हमें correct output देता है, अगर हम input करने में mistake करते हैं तो वह हमें error देता है। A computer is a multi-purpose machine, is a perform many tasks, that is that why is used in almost all field. Computer can store very large amount of data in device called hard disk. Hard disk जो होती है उसके अंदर हम बहुत सारा data store करके रख सकते हैं, ये computer के अंदर लगी हुई होती है। The hard disk is inside the CPU cabinet. CPU के अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई होती है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कहीं एडवांटेज होते हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेज। एडवांटेज कौन कौन से होते हैं, एडवांटेज मीन्स इसके लाभ कौन कौन से होते हैं हम पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर कैन डू मेनी डिफरेंट जॉब, कंप्यूटर बहुत डिफरेंट जॉब्स कर लेता है। इट कैरी आउट ऑफ कॉम्प्लेक्स टास्क क्विकली, बहुत मुश्किल से मुश्किल काम भी है बहुत जल्दी खत्म कर लेता है। इट इज़ मल्टीपर्पज़ मशीन, ये मल्टीपर्पज़ मशीन है। इट कैन हेल्प द सेविंग पेपर बाय स्टोरिंग लाओ, जो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर रख लेता है और हमारे बहुत सारे पेपर्स की इससे बचत होती है। इट हेल्प टू कनेक्ट पीपल लिविंग फार ऑफ ऑफ प्लेस, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरेक्ट विद ऑन ओवर द इंटरनेट के थ्रू, जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, तो इंटरनेट के थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। इट लेट्स लुक अप यूजफुल इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे हमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। इट कैन हेल्प यू लर्न प्ले यूजिंग मल्टीमीडिया, और इसके अंदर हम म्यूजिक वगैरह मल्टीमीडिया का काम भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बहुत सारे डिसएडवांटेज है वो देखते हैं। कंप्यूटर अपने आप से नहीं सोच सकता, अगर आप रॉन्ग इनपुट दोगे तो वो आपको रॉन्ग आउटपुट ही देगा। कंप्यूटर आर कॉस्टली, दे नीड वेरियस टाइप ऑफ प्रोग्राम कॉल्ड सॉफ्टवेयर कैरी, कंप्यूटर बहुत कॉस्टली आता है, इसमें अलग अलग तरह के प्रोग्राम होते हैं जो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैज़ मैनी फीचर्स, वी नीड टू लर्न दिस एप्लीकेशन बिफोर कैन गो द बेस्ट आउट द कंप्यूटर। टेक्नोलॉजी चेंज वेरी फास्ट, वी नीड टू कीप अपडेटिंग अवर कंप्यूटर एज वी एल एज अवर नॉलेज टू कीप पीस विद दिस चेंज। ओके, आपको इस लेसन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, हम इसकी बुक एक्सरसाइज देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड, प्रोसेस डेटा क्या कहलाता है? इन्फॉर्मेशन। इसका सही जवाब है ए, प्रोसेस डेटा क्या कहलाता है? प्रोसेस डेटा कहलाता है इन्फॉर्मेशन। प्रोसेस डेटा क्या कहलाता है? प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। द सीपीयू इज कॉल्ड, सीपीयू क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग डिवाइस। सीपीयू क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग डिवाइस। कंप्यूटर हैज ए स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड, कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस क्या कहलाती है? हार्ड डिस्क। द इंफॉर्मेशन दैट वी सी ऑन मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, जो इन्फॉर्मेशन हम मॉनिटर पे देखते हैं वो क्या कहलाती है? सॉफ्ट कॉपी। देन ट्रू एंड फॉल्स, ए कंप्यूटर इज ए मल्टीपर्पज मशीन, यस इसका आंसर है ट्रू। ए कंप्यूटर कैन थिंक, यस इसका आंसर है रॉन्ग। ए कंप्यूटर कैन सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम, यस इसका आंसर है ट्रू।
ए कंप्यूटर कैन कॉम्प्लेक्स टास्क क्विकली एंड एक्यूरेटली. यस, इसका आंसर भी ट्रू. कंप्यूटर हेल्प अस टू कनेक्ट द पीपल लिविंग ए सो फार प्लेस यूजिंग इंटरनेट. यस, इसका आंसर भी ट्रू. अब हम करेंगे फील इन द ब्लैंक्स. फील इन द ब्लैंक्स. फील इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स गिवन बिलो. इन द कंप्यूटर कैन बी यूज इन. कंप्यूटर कैन बी यूज इन फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स. लाइब्रेरी. पहले का आंसर क्या है? लाइब्रेरी. लाइब्रेरी. सेकेंड क्वेश्चन, कंप्यूटर कैन हेल्प यू लर्न एंड प्ले यूजिंग मल्टी मीडिया. सेकेंड का आंसर क्या हुआ? मल्टीमीडिया. मल्टीमीडिया. ओके. थर्ड क्वेश्चन, दे डिस्प्ले आउटपुट ऑफ ए कंप्यूटर मोनिटर. थर्ड का आंसर हमारा क्या हुआ? मोनिटर. ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, मोनिटर. फोर्थ, ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रिंटर इज कॉल्ड हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क की जगह यहाँ हार्ड कॉपी होगा. मुझे लगता है ये हार्ड डिस्क यहाँ गलत छप गया है, यहाँ हार्ड कॉपी होना चाहिए. तो आप इसको हार्ड कॉपी ही कर लीजिए. हार्ड, HARD, हार्ड, COPY, कॉपी. HARD, हार्ड, COPY, कॉपी. यहाँ हार्ड डिस्क की जगह गलत छप गया है बच्चों, आप इसको कॉपी कर लेना, ये हार्ड कॉपी होगा. प्रिंटेड कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रिंटर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी. चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. हाउ डू यू एंटर इंफॉर्मेशन इन टू द कंप्यूटर. राइट डाउन थ्री एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर. वॉट मेक ए कंप्यूटर पावरफुल. राइट डाउन थ्री एडवांटेज. तो यह इसकी क्वेश्चन आंसर है जो हमने यहाँ किए हुए हैं. ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, आप इसके क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से कर सकते हैं. मैं एक बार आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ देती हूँ. हाउ डू यू एंटर इन्फॉर्मेशन इन टू. हाउ डू यू एंटर इन्फॉर्मेशन इन टू द कंप्यूटर. ये हमारा पहला क्वेश्चन है. इसका आंसर है, ए डिवाइस दैट फीड्स डेटा इन टू ए कंप्यूटर सच एज ए कीबोर्ड और माउस. ओके. हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, राइट डाउन थ्री एडवांटेज ऑफ ए कंप्यूटर. ए कंप्यूटर कैन डू मैनी डिफरेंट जॉब्स. इट कैन कैरी आउट कॉम्प्लेक्स टास्क. इट इज़ ए मल्टीपर्पज मशीन. ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है. हमारे थर्ड क्वेश्चन है, वॉट मेक ए कंप्यूटर पावरफुल. कंप्यूटर को पावरफुल क्या बनाता है? द रेम, एक्सेस मेमोरी, कैच एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग CPU आर थ्री कंपोनेंट्स दैट मेक कंप्यूटर पावरफुल. ये क्वेश्चन आंसर है. अगेन आप इन्हें देख लें. आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है और या असाइनमेंट में आपको ये वीडियो छोटे दिखाई देते हैं तो आप इसे यूट्यूब पे हमारे चैनल BM इंग्लिश मीडियम स्कूल गंगापुर सिटी पे यूट्यूब पे हमारे चैनल पे दोबारा आप ये वीडियो देख सकते हैं हमारे. थैंक्स.